जैसा कि देख रहे हो भाई, आज मेरे पास ये Realme 6 फ़ोन आ रखा है। तो इसकी भाई ये चार्जिंग शॉर्टेज हो रही है, तो जैसे कि हम इसमें कोई भी डाटा केबल लगा रहे हैं तो हमारी चार्जिंग लाइट बंद हो जा रही है। तो देख रहे हो, जैसे कि हमने इसमें कोई डाटा केबल लगाई, हमारी ये देखो चार्जिंग डिस्प्ले बंद हो गई है, मतलब यहाँ इंडिकेटर। तो आज हम इसको खोल के अंदर से चेक करने वाले हैं तो फॉल्ट क्या आ रहा है। तो जैसे कि देख रहे हो भाई, हमने ये कार्ड की मदद से इसके पीछे का पैनल निकाल रहे हैं। तो जैसे इसके चारों तरफ से स्लाइड करके ये पैनल इसका निकाल दिया हमने। इसके बाद भाई हम इसके टूल की मदद से इसके सारे स्क्रू मतलब खोलेंगे, जैसे कि इसके मदरबोर्ड में नट लगे हुए हैं। तो जैसे कि भाई हम इसके सारे नट खोल लेते हैं फटाफट से। इसको भाई हम खोल के फिर अंदर में इसके मदरबोर्ड में चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो जैसे कि हमने आस्ते आस्ते सारे इसमें से स्क्रू खोल रहे हैं, तो भाई इसका चार्जिंग मतलब पत्ता में प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से हम चार्ज लगा रहे हैं तो मतलब चार्जिंग शॉर्ट हो जा रही है। तो हमारी चार्जिंग लाइट भी बंद हो जा रही है जिस कारण। तो हम इसको खोल के अब रिपेयर करने वाले हैं। जैसा कि हमने इसके सारे नट एक जगह इकट्ठे करके रख देते हैं भाई, जिसको कि बाद में हमें फिर लगाना भी है, जैसे कि हम निकाल रहे हैं। तो इसको भाई हम निकाल देते हैं, एक नट यहाँ पे भी है तो भाई इसको भी हम खोल देते हैं बहुत ही आसानी से। तो उसके सारे मतलब नट निकालने के बाद ही मतलब पीछे का ये फ़ोन खुलेगा मदरबोर्ड। तो अब इसको हम साइड से इस सिम ट्रे भी हम अलग कर देते हैं। अब इसको हम नाखून से साइड को सिम ट्रे की जगह पे साइड से घुसा के जहाँ जगह होती है तो उसको सीधा स्लाइड करते हुए जाएंगे, जैसे कि ये पीछे से ये पैनल इसका निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे कि देख रहे हो कि हमने इसके पीछे का ढक्कन मदरबोर्ड सावधानी से निकाल लिया है। अब इसके ये चार्जिंग वाला पत्ता है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसके बैटरी का पत्ता निकाल देंगे। और ये हम इसका चार्जिंग वाला पत्ता भी निकाल के, इसमें हमारी फॉल्ट आ रहा है तो हम इसको खोल के रिपेयर करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने ये पत्ता हाथ में ले लिया है, अब इसके अंदर हम कुछ कार्बन वगैरह लग गया है शायद, देखने में लग रहा है हमें। तो इसके हम रिपेयर करते हैं या रीसोल्ड कर देते हैं। तो हम इसको पहले कोई लिक्विड्स मार के इसको सफाई कर लेते हैं, जैसे पेनिस की स्क्रैच कर रहे हैं ब्लेड की मदद से, कि सारी नकली मतलब चमक जाएगी इसके पीने वगैरह। फिर करंट क्या आपता है, इसकी वजह से भी शॉर्टेज आ रही हो इस फ़ोन में। तो जैसे कि हमने इसको छोड़ दिया, तो भाई जैसे कि हमने फिर ये पेट्रोल थोड़ा सा ब्रश में लगा के और इसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं, जैसे कि इसका हमने अंदर से पूरा एकदम पुर्जा एकदम साफ़ सफाई करके चमका दिया है, एकदम नवे जैसा जैक हो गया देखने में भाई हमारा ये। जैसे कि अभी हमने नवा जैक ही मतलब नया फ़ोन लिया है, बस सही जैक हो गया है। तो अब हम इसको हम साफ़ सफाई करके अच्छे से, जो हमारी शॉर्टेज आ रही थी उसको भी हम ध्यान रखते हुए हमने इसको अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। तो इस पत्ते को हम फिर दोबारा लगा के चेक करते हैं कि हमारा सोल्यूशन हुआ है कि नहीं। तो भाई हमने सारे पत्ते अच्छे से लगा दिए हैं। अब हम फिर दोबारा इसको चार्जिंग पे लगा के चेक करते हैं हमारी शॉर्टेज हो तो नहीं हो रही। जैसे कि देख रहे हो भाई, हमारी ये चार्जिंग होनी इंडिकेटर दिख गया है, मतलब इस बारी हमारा ये फ़ोन चार्ज होना शुरू हो चुका है, 1% बैटरी भी चार्ज दिखा रही है। तो हमने ये अपना फ़ोन रिपेयर कर दिया है, जैसे कि अब हम इसको दोबारा से पैक कर देंगे, जैसे हमने निकाला था इसका सामान सारा पैक कर देंगे। आपको भी अगर अपना फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप भी वीडियो देख के अपना फ़ोन रिपेयर कर सकते हो। जैसा कि अब हम इसको पैक कर देंगे।